Hey guys, what's up? नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका एक नए ब्लॉग में। मैं हूं सचिन, आप सभी का अपना दोस्त। इस वक्त मैं चल रहा हूं अपने रिंकू भाई के बर्थडे की पार्टी में। रात के 12 बज चुके हैं, जन्मदिन की तैयारी जोरों शोरों पे है और बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं बहुत सारे एंजॉय करने जा रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ आज की शाम इतनी खुशनुमा शाम है कि आज इतने सारे खूबसूरत लोग हमारे कैमरे में कैद हो रहे हैं, जिसमें नेहा पाठक जी हमारी दुनिया की और ब्रह्मांड की स्वीटी सिंह है, मनीषा जी हैं और आस्था जी हैं। देखने को तो सारे चेहरे जाने पहचाने हैं और कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम के और यहाँ पर खुशी भी है और अपनी तनु यादव जी भी हैं। ठीक है, कितना महाराजा वाला फील आ रहा है, ऐसा फील आ रहा है कि गोपियाँ पीछे चल रही हैं और हम आगे आगे चल रहे हैं। चलो, और यहाँ पर ज़्यादातर लोग हमको जीजू बोलते हैं। ठीक है, बट मैं ज़्यादातर नहीं, सभी मैं भी नहीं बोल रही, ये तो सच्ची नहीं बोलती है। कुछ भी बोलो भैया, अपना पत्ता कट गया बाकी दुनिया। चलो भी बहुत पैसा ना दें क्योंकि कोई बात नहीं, मजाक मस्ती एक तरफ, सब बहन जैसी हैं, प्यारी हैं, बहुत सम्मान प्यार बहुत देते हैं। और अभी इस वक्त पहुंच रहे हम लोग इवेंट वाली वेन्यू पे। यहाँ मेंढक की टर टर बहुत आ रही है, टर टर, तो इस आवाज़ को आप लोग थोड़ा कोऑपरेट करना क्योंकि ओपन लॉन में पार्टी है। पीछे हो गए, बताओ आगे आगे आने कोई नहीं है। और आज की शाम मेंढक की आवाज़ भी आएगी आपको, क्योंकि एकदम खुले छत में पार्क में एकदम पार्टी होने वाली है, तो कहीं ना कहीं जो माहौल है वो बिल्कुल गर्म है। ये मेंढक शांत नहीं होते, शांत होते तो अचानक शांत हो जाते हैं, बोलते हैं तो एकदम बोलते रह जाते हैं, मतलब कोई किसी का और छोर नहीं है। जिसका बर्थडे है वो भाई साहब हमारे अभी बिजी हैं, थोड़ा बहुत अभी इंट्रोड्यूस करवाते हैं थोड़ी देर में, और भी लोग धीरे धीरे जैसे जैसे आएंगे इंट्रोड्यूस कराएंगे। हे प्रभु, ये तो कपड़े पहन के स्विमिंग पूल में सब लोग चले गए, अभी धीरे धीरे सब लोग आएंगे। यहाँ ब्लॉगिंग हो नहीं पाएगा, माइक रहना चाहिए क्योंकि आवाज़ बहुत ज़्यादा लाउड नॉइज है। रोक दीजिए, थोड़ी देर में उभरते उभरते सारे सितारे तारे ज़मीन पर आ जाएंगे। कौन कहता है आसमान के सितारे ज़मीन पर नहीं होते, सारे सितारे ज़मीन पर आएंगे। पानी पीने को मिल रहा है। पढ़ रहे हैं, हमको लगा खाना मांग रहे हैं 200 रुपए को। कितना ना ये भाई, कितना चौमिन खाएंगे। हाँ, मैं आई हूँ, टाइम खत्म हो गया था, समझ नहीं तो अच्छा लग रहा। अरे कौन खाता है भाई नींबू। तो गाइज, अभी बैकग्राउंड में नो कॉपीराइट म्यूजिक स्पेशल अरेंज किया गया है आज के बर्थडे पार्टी के लिए। कहाँ गया, गमछी ला गया, उधर हो जाइए, मैं सर मारे इतना दूर से नहीं देखो, जाओ आस्था कहाँ गई है, आस्था लोग कहाँ गई है। ये केक ये सब है यहाँ पे, देखिए बड़े 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 लोगों को बुलाया है, उन सब ने अपने बर्थडे के लिए आस्था की बुलाई हुई है। बड़ा भी पैसा देगा, बड़ा भी पैसे देगा, साल ली हाँ ना बाहर क्या केक और हम लाए भैया, हम लाए हम नाम लिख लीजिए। हे गाइस, तो यहाँ पे ना केक आ गया था, एक केक तो हम लोग भी लेके गए हुए थे, जो कि इसमें से कौन सा है आप लोग बताना। और उसके बाद से ये है, साथ में मिले और इनके साथ फ़ोटोज़ वगैरह भी
जो भी होता है वो शूट किए हम लोग, बहुत अच्छा लग रहा था। ये बोल रही थी कि क्यों आप शांत बैठी हैं। अभी रिसेंट में इनका नया गाना भी आया है भोजपुरी का, जो कि आप लोग देखते होंगे तो आप लोग कमेंट करना। बहुत अच्छा लग रहा था सबसे मिलके, और इनसे भी मिले बहुत अच्छा लगा। ये खुद मेरे को दूर से देखी तो बोली क्या हो गया, क्यों शांत बैठी हैं। तो हमें लगा कि यार सच में मैं शांत हूँ क्या। फिर मैं उठी और बोली कि बात करना पड़ेगा आप सबसे, नहीं तो सब लोग बोल रहे हैं शांत शांत सी लग रही है। क्योंकि ना मुझे थकान सी हो गई थी, मेरे पैर में ना वो हो गया था, फोड़े जो हो जाते हैं ना वो हो गया था गर्मी की वजह से चलते चलते। गाइस तो अभी मस्त ये सब इतना जगह घूम के आई है ना। और भैया मैं अब मर जाऊंगा, आप मुझे मत देखो, मेरा भी आप लोग क्या बोलो, मेरा घर देख लो, ये घर है। हम लगा रहे ये वीडियो बना रहे हैं, गाइस तो अभी गाना बज रहा है छोटू, कैसे बनाएंगे तो फोटो खींचना बनता है। तो गाइस थोड़ी देर और आप लोग वेट कर लीजिए, उसके बाद इतना मज़ा आएगा ना, अलग अलग लोग देखने को मिलेंगे, खास करके भोजपुरी आप लोग को बहुत पसंद है ना, तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो गाइस आज रिंकू भाई का बर्थडे है, स्वैग लेके निकले यहाँ पर। क्या नाम है? अक्कू। अक्कू जी मिली, बहुत अच्छा लगा मिलकर। इनका नाम भक्कू, भक्कू नहीं आई एम गरिमा रानी गाजी भैया। बहुत खुश नसीब है, हम खुश नसीब है, मैं खुश नसीब है, हम दोनों खुश नसीब है कि एक दूसरे से मिलना है। इसमें क्या है भैया अभी बताया तो हमें पता चला ये ब्लॉगर करते हैं, हमको वैसे पता है, हमें लगा आम इंसान है। यहाँ पे रिंकू भाई का बर्थडे था और हम लोग यहाँ पे मस्ती कर रहे थे शिवा भाई के साथ, और देख रहे हैं अभी हम लोग जा रहे थे केक खिलाने के लिए, क्योंकि रिंकू भाई बोले कि आ जाइए। और फिर मिस्टर राज खिलाई, इनके फेस पे तो इतना ज़्यादा केक लिपा पोती हो गया था, बहुत मज़ा आ रहा था। फिर हमने सोचा क्या ही, अब कहीं जगह ही नहीं है, इसलिए मैंने मुँह में ही खिला दिया, और इन्होंने ही उतने ही प्यार से खिलाया, बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। और इनका बर्थडे था तो हैप्पी बर्थडे टू यू एक बार फिर से। और सभी लोग यहाँ पे जाके केक खिला रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ देखिए मेरे को शालिनी जी हैं, वो केक लगा के फेस में चली गई, बहुत मज़ा आया खेलने में। और यहाँ पर मिस्टर राज अपना मस्त इंजॉय कर रहे थे, बोल रहा था सबको इनको भी कि आप भी नहा लीजिए स्विमिंग पूल में, इसलिए ये भी गए। तो ये जैसे ही गए थोड़ी देर तक अपना मस्ती किए, मजाक मस्ती सभी लोग थे। अभी जेंट्स लोग की बारी थी, फिर हमने सोचा यार हम नहीं नहाएंगे ऐसे ही, इतना थकान हो जाता है घूम के, और दूसरा चीज़ अगर नहाऊंगी ना तो और भी वो लगेगा बारी बारी सा कल, तो इसलिए मैं नहीं नहाया। और यहाँ देखिए छोटू कैसे शूट कर रहा था, आप लोग बने रहिए व्लॉग में। गाना भी बज रहा था भोजपुरी गाना बजा के, और आप जब कोई भी चीज़ करो ना तो सच में एक अलग ही एनर्जी मिल जाती है डांस वांस करने में, मज़ा आ जाता है। और यहाँ हम बैठे हुए थे, फ़ोन वगैरह पकड़े हुए थे अभी, तब तक छोटू बोलता है कि मेरे को भी नहाना है दीदी, तो हम लोग बोले ठीक है, वो मेरे को अपना दे दिया। शूट यहाँ से थोड़ा देर में बंद हो जाएगा, और उसके बाद से ना इतना मज़ा आया, छोटू भी नहाया, काफ़ी टाइम तक छोटू नहाया, तब तक मिस्टर राज निकल रहे थे
और हम लोग जाने वाले थे रूम पे। तो आप लोगों को कैसा लगा ये पार्टी, आप लोग जरूर कमेंट करना। मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।